आज की डेट है 12 जनवरी 2022 और मैं अपनी लाइफ का पहला जॉब एज अ वीएफएक्स आर्टिस्ट, एज अ 3D स्कल्प्टर, एज अ 3D डिजाइनर, मेरी लाइफ का पहला जॉब जो कि रिसेंटली लगा था, उसको खोने के कगार पे हूँ। आई एम अबाउट टू लूज इन अ फ्यू डेज आई गेस। और वो क्यों? क्योंकि प्लेन से भेजे हुए एक कुरियर को बरेली से बैंगलोर आने में एक हफ्ते से ज़्यादा लग रहा है। सो मैं भी इफेक्ट्स आर्टिस्ट हूँ एंड आई ऑल्सो डू 3D स्कल्प्टिंग। और रिसेंटली मैंने एक कंपनी के लिए अप्लाई किया था एंड थ्रू माई पोर्टफोलियो आई गॉट अ जॉब इन द कंपनी। जो कंपनी का नाम है उसको मैं रिवील नहीं करूँगा, लेकिन आई गॉट दिस जॉब। एंड 11 जनवरी को मेरे पहले प्रोजेक्ट की सबमिशन थी, जिसके बेस पे मेरी जो एक्चुअल एफिशिएंसी है उसको इवैल्यूएट करते हैं जो मेरे इंचार्ज है, जो मेरे ऊपर मेरे को ये काम दे रहे हैं। मैं जॉब तो लग गई है, लेकिन मेरा पहला प्रोजेक्ट था एज अ प्रोफेशनल VFX आर्टिस्ट इन अ कंपनी। द ओनली प्रॉब्लम इज द सिस्टम दैट आई हैव विद मी राइट नाउ, ये कनेक्टेड है, इट्स अ लैपटॉप, और वो इतना पावरफुल नहीं है कि वो इस स्केल का 3D जो रेंडर है, मेरे को एक पूरा सीन बनाना था 3D सीन, इस स्केल का 3D सीन को वो रेंडर कर पाया, वो इतना पावरफुल नहीं है मेरा सिस्टम। तो उसके असिस्टेंस के लिए मेरे भाई ने, जो कि बरेली में रहता है, उसने अपना जो PC है वो यहाँ भेजा था, क्योंकि ही हैज बिल्ट अ PC फॉर हिमसेल्फ एंड इट इज रियली पावरफुल, और उसने उस PC को यहाँ भेजा था। वो खुद भी यहाँ पर आया 5 तारीख को। वो DTDC जो कि एक ऑफकोर्स जो कि मतलब कुरियर कंपनी है जिसकी बात हम कर रहे हैं, उसके वहाँ पे ऑफिस में गया, पर वहाँ पे 2 बॉक्स छोड़े। एक बॉक्स में उनका रैम, उनका जो भी एक्सपेंसिव इक्विपमेंट था, रैम वगैरह, वायर्स वगैरह, हार्ड ड्राइव वगैरह, एक बॉक्स में वो था, और एक बॉक्स में उनका मॉनिटर था, और जो CPU का जो केस है, जो उनका बेसिक, जो उनका PC था, वो अपने साथ फ्लाइट में लेके आए। ये जो अपना कुरियर था, जो कि मतलब PC वाला कुरियर था, उसको इन्होंने बाय एयर भेजने के लिए डाला था, कि बाय एयर 5 तारीख को अगर वो कुरियर निकलता है तो जो डिलीवरी होती है इट इज सपोज टू हैपन विद इन 3 to 4 days, 3 से 4 दिन के अंदर कोई भी डिलीवरी जो कि बायर होती है वो चली जाती है। उसके हिसाब से मेरे हाथ में वो मॉनिटर होना चाहिए था 8 या 9 तारीख को, और आज 12 तारीख है। मेरा भाई खुद 7 तारीख को फ्लाइट लेके बरेली से बैंगलोर आ गया, और जो CPU था, जैसे मैंने कहा, वो उसको अपने साथ लेके आया, और उसके जो बाकी इक्विपमेंट्स थे, क्योंकि CPU काफ़ी भारी होता है इसलिए वो बाकी सामान नहीं ला पाया, तो जो बाकी रोज का सामान होता है वो उसने बाय लैंड भिजवाया था, क्योंकि बाय लैंड पैसे कम लगते हैं। हम लोग फ्लाइट इसलिए अप्लाई करते हैं ताकि जो हम सामान भेज रहे हैं वो जल्दी पहुंच जाए, और व्हेन कंपेयर टू लैंड वो काफ़ी ज़्यादा सुरक्षित होता है। तो जो लैंड सामान भेजा था वो उसके बाकी मतलब कपड़े वगैरह थे, किचन के बर्तन थे वगैरह, ठीक है। तो 8 तारीख को मेरा भाई यहाँ पे आता है, हम लोग साथ में रहते हैं, वो अपना CPU खुले दिखाता है मेरे को, मैं बहुत ही एक्साइटेड, क्योंकि मेरा पहला काम, हमने CPU सेट कर दिया, हमने LED लाइट्स कर दी पूरे घर के लिए, जो सामने लाइटिंग दिख रही है वही LED लाइट्स है, सब कुछ एकदम तैयार है, ठीक है। हम वेट करते हैं, 8 को आया कोई बात नहीं, हम 9 को वेट करते हैं, 9 को पार्सल का कोई अता पता नहीं है। हम जो ट्रैकिंग वेबसाइट है वहाँ पर जाते हैं, हम वहाँ पर कंसाइनमेंट नंबर डालते हैं उसको ट्रैक करने के लिए, तो जो बाय लैंड है वो भी इन ट्रांजिट है, और जो बाय एयर आना था वो यहाँ बैंगलोर में, यहाँ पे जगह यलंका करके, वहाँ पर जो इनका हब है, जो इनका DTDC का जो एपेक्स है, जो इनका वेयरहाउस है, वहाँ पे दिखा रहा है कि इट इज़ इन ट्रांजिट देयर। सो हमको लगता है कि ठीक है, जो सामान है वो बैंगलोर तक तो पहुँच ही चुका है, बैंगलोर और यलंका यहाँ से इस लाइक 8 से 9 किलोमीटर दूर है, वहाँ से यहाँ कल तक तो पहुँच ही जाएगा। 10 तारीख को हम लोग सुबह उठते हैं, हम 9 को वेट करते हैं, देख के हम खुश रहते हैं, हम 10 को सुबह उठते हैं और कोई खबर नहीं। जो लैंड वाला है वो हमको दिख रहा है कि वो डिलीवरी होने वाली है, जो एयर से आया है, जो मेरा मॉनिटर है, वो अभी भी इन ट्रांजिट है, और कहाँ है, वहीं पर अटका हुआ है। तो हम लोग कॉल लगाने की कोशिश करते हैं। पहली बात तो जो DTDC का जो कस्टमर केयर है, वहाँ पे आप फोन लगाएंगे और वहाँ पे आता है कि ये दबाएं आपको अगर ये चाहिए तो, वो दबाएं आपको ये चाहिए तो, एक दबाएं, दो दबाएं, तीन दबाएं, आप ऐसे 15 मिनट करेंगे, उसके बाद में आपको बोलेगा ठीक है, हम अपने एग्जीक्यूटिव से आपकी बात करा रहे हैं। वो फिर एक सड़ी सी रिंगटोन लूप पे चलती रहेगी, पर कोई आपका फोन नहीं उठाएगा। अगर फोन उठा लिया तो आप बहुत किस्मत वाले हैं। सुबह से लेकर शाम तक हम ट्राई करते हैं, शाम को जाके फोन उठता है, तो हम उसे पूछते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है, क्या बात है, जो हमारा जो पार्सल है वो अब तक आ नहीं पा रहा है। और अब तक क्या होता है कि जो लैंड से आ रहा था ना वो डिलीवर हो चुका है, जो प्लेन से भेजा वो तो डिलीवर नहीं हुआ है, जो लैंड से आ रहा था वो हमारे हाथ में। अब ऑफ कोर्स बहुत ही ट्रबलसम बात है, तो हम उनसे पूछते हैं कि ऐसा क्यों हुआ है। उन्होंने एक बहुत ही वैलिड रीजन दिया कि जो मतलब डिलीवरी व्हीकल थी उसके ड्राइवर का कुछ हेल्थ इशू है, उसको कुछ एक्सीडेंट वगैरह हुआ है, कुछ हेल्थ इशू है, इसलिए आपकी डिलीवरी थोड़ी सी लेट हो रही है।
हमने कहा कोई बात नहीं, सिंस हमको इतना अर्जेंट काम है कि आज 10 तारीख हो चुकी है, मेरे पास एक ही दिन रह गया पूरा सीन बनाकर सरेंडर करने के लिए, मैं वो करने को भी तैयार हूँ। तो 5:30 या 6 बजे जब हमारी कॉल हुई थी, कॉल के तुरंत बाद मैं और मेरा भाई हमने एक बाउंस बुक की और उस गाड़ी से हम सीधा उनके वेयर हाउस पहुंच गए। हम उनके वेयर हाउस पहुंचते हैं और जो उनका डिलीवरी ऑफिस है हम वहां पहुंचते हैं, वहां पर जाके हमारे स्लिप दिखाते हैं कि सर ऐसी ऐसी बात है और हमको हमारा जो शिपमेंट आप दे दीजिए, हम यहाँ ले जाएंगे उसको। वो लोग आते हैं हमारे साथ और जैसा मैंने कहा था कि जो पहला शिपमेंट था उसमें 2 बॉक्स आए थे, एक में मॉनिटर था और एक में मतलब रैम वगैरह वो सब था, जो तीसरा जो लैंड वाला बॉक्स था वो हमारे पहुंच चुका है। जो रैम वगैरह वाला बॉक्स है जिसमें रैम वगैरह रखी हुई है वो हमको पहले पासपोर्ट में आके मिल जाता है, वो देखता है कि हाँ बॉक्स वहाँ पे पड़ा हुआ है। एक तो एक बहुत ही ह्यूज पहला बॉक्स है, वहां से उसको 15 मिनट लगता है ढूंढने में, ऐसा कोई बिल्कुल भी ऑर्गेनाइज नहीं है सामान। जो पहला बॉक्स है उसको ढूंढने के लिए हम 1.5 घंटा डिलीवरी वेयर हाउस में उसकी सर्चिंग करते हैं। ये इसका एक एम्प्लॉय और ये जो बंदा था काउंटर पे वो और हम लोग, हम चारों लोग लगे हुए हैं और हम लोग बॉक्स जमा कर रहे हैं। दिस इज सपोज टू बी अ कोरियर सर्विस, इनका कोई डॉकेट नंबर नहीं है, इनको कुछ पता नहीं है कि वो कहाँ रखा होना चाहिए, जो सामान बिल्कुल ऑर्गेनाइज नहीं है, कुत्तों का सामान फेंका हुआ है। आप लोग जो इन पे भरोसा करके अपना सामान छोड़ते हैं कि ये लोग उसको पहुंचाएंगे, ये लोग उसका ख्याल रखेंगे, ये लोग जो सामान है उसको सेफ रखेंगे, कोई ऐसा पता नहीं है, इनको पता ही नहीं है कि सामान कहाँ पर। तो हम लोग 1.5 घंटा वहाँ पर ढूंढते हैं और ये लोग हमको बोलते हैं कि सर हमको लगता है कि जो वेयर हाउस है वहीं से नहीं आया वो बॉक्स, ये दोनों सेम कंसाइनमेंट है, दोनों बॉक्स सेम कंसाइनमेंट है, तो आधा कंसाइनमेंट आया आधा नहीं आया। हमने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, आपका वेयर हाउस कहाँ पे? वेयर हाउस इस ऑफिस से 100 मीटर की दूरी पर है, 100 मीटर की दूरी पर। इन्होंने कहा कि जो बड़ा वेयर हाउस है जो इनका एपेक्स एनटीडीसी का, वहां से यहाँ पर आपका एक डब्बा आया है एक डब्बा नहीं आया है। हम वेयर हाउस पर जाते हैं, वेयर हाउस पे वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड है हमको रोकता है, हम उससे बोलते हैं कि हमारी बात कराइए यहाँ पे जो इंचार्ज है उससे, हमको आपके ऑफिस ने यहाँ पे भेजा है सर कि हमारा एक डब्बा यहाँ पर है। ठीक है, हम लोग अभी एजेंसी में, हमारा टाइम निकलता जा रहा है, 10 बजे यहाँ पे लॉग इन हो जाता है, 10 बजे के बाद हम अपने घर नहीं जा पाएंगे। और सिक्योरिटी गार्ड क्या करता है, वो उसके सिक्योरिटी हेड को फोन लगाता है, उनका सिक्योरिटी हेड आता है और हम TGDC के वेयर हाउस में अंदर जाके बैठते हैं। आधा घंटा में कोई रेड नहीं करता है। 45 मिनट के बाद वहाँ पे सामने कोई श्रीमान आके खड़े होते हैं जो कि अपना बैग पहन के बस निकल ही रहे होते हैं। भला उस मैनेजर का, उस सिक्योरिटी गार्ड मैनेजर का, वो हमारे पास में आके बोलता है कि सर आप जाके उनसे बात कीजिए, वो आपकी हेल्प करेंगे, कि हमको तो कोई अटेंड नहीं करना था। हम उनके पास जाते हैं और हम बोलते हैं कि सर देखिए ऐसी सी बात है, वो लोग बोल रहे हैं कि पार्सल यहाँ पे, ये लोग बोल रहे हैं वहाँ है, हम लोग यहाँ पे पिछले 3 घंटे से खड़े हुए हैं, वहाँ पे हमने खोजा, प्लीज हमको असिस्ट कीजिए। ठीक है, ऑलरेडी आप लोग को जो हमको डिलीवर करना था आप उसको लेट कर चुके हैं, हमको उसको उससे भी कोई दिक्कत नहीं है, आप बस हमको हमारा जो पार्सल है वो दे दीजिए ताकि हम घर जाके अपनी नौकरी बचा पाए। ठीक है, ये एक इंसान को बुलाता है जो कि उस वेयर हाउस का मैनेजर है। अभी ये मैनेजर पिछले आधे घंटे से 45 मिनट से हमारे आसपास ही घूम रहा है, गार्ड ने जाकर उसको बता दिया है कि ये लोग अपनी दिक्कत लेके बैठे हैं, उसे कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो ऐसे एक्ट कर रहा है कि उसको पता है वो मैनेजर है ही नहीं। हमको तो मालूम पड़ा कि ये मैनेजर, ये जो बंदा था ही मस्ट बी अबव दैट मैनेजर, तो इसने मैनेजर को बोला कि इनके इशू सॉल्व करो। मैनेजर ने भाई 4 लड़के भेजे और उन्होंने कहा कि जहाँ पे इनका सामान रखा हुआ था वहाँ पे जाके सर्च करो। तो हमने सोचा ठीक है, वेयर हाउस का सामान होगा ही होगा, पूरा टाइम निकल जाता है, वो वहाँ पर आते हैं, आप जाके बोलते हैं कि सर यहाँ पे नहीं है सामान, ना वहीं पर है। अब मैं कहता हूँ कि सामान अगर वहाँ नहीं है, सामान यहाँ भी नहीं है, साला हमारा इतना बड़ा पैकेज 100 मीटर के डिस्टेंस में गायब कहाँ हो गया? हमारी एक ही बात है कि आज हम यहाँ पे खड़े हैं, हमको हमारा पैकेज चाहिए ताकि कल यार हम अपनी नौकरी बचा पाए, एसेंशियल था हमारे लिए वो, इसलिए हमने बाहर भेजा था ना। तो उन्होंने क्या किया कि चलिए आप जाके वहां देखिए, इन्होंने बिल्कुल कंफर्म कर दिया कि यहाँ पे कुछ भी नहीं। ठीक है, हम लोग वापस ओल्ड ऑफिस गए, ओल्ड ऑफिस जाके फिर से पूरी टीम लगी सर्च करने, वो लोग पूरा वेयर हाउस खोजते हैं, वो लोग पूरा ओल्ड ऑफिस खोजते हैं और इतनी बड़ी ट्रांसपोर्टिंग कंपनी को पता ही नहीं है कि ये हमारा पैकेज किधर है। ऐसे कहने को सब कुछ अपडेट होता है, आपका ये वो, आपका स्कैन होता है, आपका वो होता है, वहां वो लोग बोल रहे हैं वेयर हाउस से कि हमने स्कैन करके भेज दिया है उसको, यहाँ पे लोग बोल रहे हैं हमने रिसीव नहीं किया है। अरे गया कहाँ से, बीच रास्ते भेज दिया आपने उसको, भाई 100 मीटर में तुम कैसे, इतना बड़ा टप्पा तुम कैसे गायब कर सकते हो? 30-40 हज़ार का मॉनिटर तुम 100 मीटर के डिस्टेंस में कैसे गायब कर सकते हो? मॉनिटर कोई छोटी चीज भी नहीं होती है। हम वहाँ पे खोजते रहते हैं एंड एट द एंड क्या होता है कि सर कल सुबह 5:30 बजे हम लोग पूरा रात खोजेंगे सर, कल सुबह 5:30 बजे आपको अपडेट करेंगे सर, कल दोपहर को 12 बजे से पहले हम आपको दे देंगे। अब हम लोग इतना फ्रस्ट्रेट हो चुके थे वहां पे कि हमने कहा सर अगर मुझे 12 बजे ही मिलेगा तो कम से कम मैं कुछ तो बनाकर दिखा दूंगा। अरे 12 तारीख अगर मुझे कल वो 12 बजे भी मिल जाता
तो भी मैं कुछ मतलब बना के कुछ तो दिखा देता ना यार, कुछ कुछ तो होता मेरे पास दिखाने के लिए, कुछ तो होता मेरे पास। हमने उनसे कहा कि मैं किसके एश्योरेंस पे जाऊं, मेरे पास वीडियो है जो कि मैं अटैच कर दूंगा यहाँ पे। मैंने कहा कि मैं किसके एश्योरेंस पे जाऊं, आपको जो अभी नहीं ढूंढ पा रहे हैं और आपने हर जगह देख ली है, ऐसी कौन सी जगह आप देख लेंगे जो कि आपको वो कल इतना मतलब मैजिकली मिल जाएगा। तो फिर भी हम लोग इनके ऊपर छोड़ के, इनकी बात मान के मैं वहां पे दो लोग का नंबर लेके आया, वो जो सीनियर मैनेजर, वो जो पहला बंदा जिसने मैनेजर को बोला था, जो उससे ऊपर था उनका, और एक दूसरा जो वहाँ पे काउंटर पे इंचार्ज था जो कि सारी ट्रैकिंग संभालता था, ठीक है, उनका। इन दो लोगों का नंबर मैं अपने फोन में लेके आया, मैं अपना नंबर इनको दिया। मैंने कहा कि अगर आपको छोटी सी भी अपडेट मिलती है, रात के 2 बजे मिले, 3 बजे मिले, आपको सुबह के 6 बजे मिले, आप मुझे कॉल करिए, मैं आपका फोन उठाऊंगा, प्लीज मेरे को अपडेट कीजिए इस बारे में। हम लोग इतना बोल के वापस वहां से 10 किलोमीटर दूर अपने घर पे आए। पूरा दिन निकल गया हमारा, पूरी दोपहर हमारी निकल गई, रात निकलती है, हम रात भर कुछ नहीं बोलते, हम वेट करते हैं कि इन्होंने कहा है, ये लोग करेंगे। सुबह 5 बजते हैं, 6 बजते हैं, 7 बजते हैं, 8 बजते हैं, 9 बजते, 10 बज जाते हैं, एंड वी स्टार्ट कॉलिंग। 9:30 से हमने फोन लगाना चालू कर दिया था, ना मैनेजर फोन उठा रहा है और ना वो काउंटर वाला बंदा फोन उठा रहा है। इतने मिस कॉल्स किए हैं मैंने और रिंग पूरी जा रही है पर कोई फोन का रिप्लाई नहीं कर रहा है। वी ट्राई टू कॉन्टैक्ट अगेन द कस्टमर सर्विस के रिप्लाई नहीं कर रही है, कहीं से बिल्कुल कट ऑफ। आपका इतना वैल्यूबल पैकेज जो आपने इनको भरोसा करके भेजा था, आपको उसका पता ही नहीं है कि वो पैकेज कहाँ जा रहा है, किसके हाथ में है। एज अ कस्टमर जो आपका राइट है जानना कि भाई मेरा सामान किधर है, तुमको मैंने पैसे दिए थे इसको सेफ रखने के लिए, किधर है मेरा सामान, आपके पास कुछ भी नहीं है, यू लिटरली एम्प्टी हैंडेड। उसके बाद में 12 बजे जो उन्होंने प्रॉमिस किया था, हम फोन लगाते हैं, इनका आता नहीं है, हम फिर भी फोन लगाते रहते हैं तो मुश्किल से एक बार फोन उठाते हैं, वो कहते हैं सर मैं आपको ना सर मोटा 10 मिनट में दे रहा हूँ, सर 10 मिनट में आपको दे रहा हूँ, 10 मिनट दो, हम सब वही ढूंढ रहे हैं। ढूंढ रहे, तुमने कहा था 12 बजे पहुंचा नहीं, वॉट एल्स डू आई हैव इन माई हैंड्स कि मैं अब जाके पुलिस में कंप्लेन करूँ कि मैं जाके वाले कंज्यूमर फोरम में जाऊँ और यहाँ आपका मैनेजर फोन नहीं उठा रहा है। उसके बाद में हमने फिर भी इनको टाइम दिया, 2 से 3 बजे हमने वापस करना चालू किया और वही हुआ कि हम लोग 1 घंटे तक कॉल लगाते रहे, किसी ने कॉल नहीं उठाया। शाम को मैनेजर कॉल उठा के बोलता है कि सर मैं पूरा आपका पैकेज ट्रैक कर रहा हूँ कि वो कहाँ कहाँ से आया, मेरे को लग रहा है वो यहाँ पे वेयर हाउस ही नहीं पहुंचा है। इन्होंने मुझे कल क्या बोला कि वो सर पैकेज स्कैन हो गया है, पैकेज यहाँ पे है, पैकेज यहाँ पे 100 मीटर के बीच में है। आज बोल रहे हैं कि वेयर हाउस ही पैकेज नहीं पहुंचा है, कहाँ है तुम्हारा रेगुलेशन, तुमको मैंने 2 डब्बे दिए थे, तुम बिल्कुल मतलब दिमाग से बंद हो गया है कि मतलब 1 डब्बा उठा के ले और तुमको 1 डब्बा मिला ही नहीं, किस तरह का मैनेजमेंट है ये। तो वो वहाँ पे हमको बोलता है, हम कहते सर प्लीज ट्रैक कीजिए और मेरी मीटिंग 1 घंटे में, मैं मीटिंग करता हूँ, मैं सबको बोलता हूँ कि सर ये पीसी वाला इशू हो रहा है, तो मेरी बात क्यों मानेगा, जो जिन्होंने मुझे एम्प्लॉय किया है उनको मैं पिछले इतने से स्टॉल कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ कि सर आप रुक जाइए, उस मैं इस तारीख तक आपको दे दूंगा, ये 11 मेरी डेडलाइन है, मैं 11 को आपको दे दूंगा, 11 को शाम तक दे दूंगा, इतना स्टॉल किया मैंने उनको। तो ऑफकोर्स ये बात है, इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड अगर आप काम नहीं करोगे तो आपका काम किसी और को मिल जाएगा। तो वही हुआ, जो मैंने काम किया था मेरे को एक वार्निंग मिली और मेरे को बोला है कि एक बार ऐसा रिपीट हुआ तो आई विल बी फायर्ड। तो यार घूम फिर की बात इतनी ही है कि आफ्टर ऑल ऑफ दिस ड्रामा मुझे अभी भी आज भी नहीं पता है कि जो मैंने पैकेज एक वेल एस्टैब्लिश्ड ट्रांसपोर्ट एजेंसी को दिया था वो कहाँ पर है, मेरे को आइडिया ही नहीं है, मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं है। मैं हर जगह ट्राई कर रहा हूँ, जैसा मैं पिछले 15 मिनट से बोल रहा हूँ, मैं हर जगह ट्राई कर रहा हूँ, कोई रिस्पॉन्स नहीं है, मुझे कुछ नहीं पता है पैकेज के बारे में। 30,000 रुपए का मॉनिटर जो कि मुझे आपको उम्मीद नहीं है कि मुझे मिलेगा, एक जॉब जो कि मेरी रिसेंटली लगी थी जो कि अब मुझे लग रहा है जाने वाली है, मॉनिटर नहीं मिलेगा मैं काम नहीं कर पाऊंगा, नया खरीदने के बाद पैसे नहीं बचे हैं, मेरी जॉब का लॉस, मेरे जो मैं फ्रीलांसिंग करता हूँ वहां मेरी गिग्स पड़ी है उनका लॉस, मॉनिटर का लॉस, टाइम का लॉस, मेरे पेशेंस का लॉस, मेरी मेंटल स्टेबिलिटी का लॉस, ये सब नहीं कॉम्पनसेट हो सकता। एक कंपनी से आपको अगर आपके रिफंड के पैसे निकालने होते हैं तो इट यूजली टेक्स आई हैव टू गो एंड फाइल अ केस इन द पुलिस, आई हैव टू गो एंड फाइल अ केस इन द कंज्यूमर फोरम, उसके बाद में कुछ एक्शन चालू होगा और एक्शन लेने के बाद में महीना दो महीना केस लड़ने के बाद में कुछ मिलेगा कि नहीं अभी कुछ भी नहीं पता है। अब इस पूरी रेस में नुकसान सबसे ज्यादा किसका हुआ, नुकसान हमारा हुआ, हम जो कंज्यूमर्स हैं। द पर्पस ऑफ मेकिंग दिस वीडियो इज जस्ट टू लाइक टेल ऑल ऑफ यू आउट देयर कि व्हेनेवर यू सेंडिंग एनीथिंग लाइक दिस, एनी एसेंशियल, एनी वैल्यूएबल लाइक दिस, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड नॉट रिकमेंड DTDC, आई वुड नॉट, आफ्टर दिस आई एम नेवर सेंडिंग एनीथिंग ऑन दिस प्लेटफॉर्म, एंड सेकेंड ऑफ ऑल व्हेनेवर यू आर सेंडिंग हैव इट इंश्योर्ड।
अगर ये सब मैंने इंश्योर नहीं करवाया होता वाइल सेंडिंग, तो आज मैं तो खत्म था, मेरे पास है ही नहीं कुछ कुछ अभी। कम से कम उम्मीद तो है कि आफ्टर 2 months 3 months जब भी होगा, भले ही इतना लॉस हो गया है, कि एटलीस्ट आई गेट अ कंपोजिशन फॉर एटलीस्ट फॉर द प्राइस ऑफ माई मॉनिटर। तो ऑलवेज इंश्योर योर शिट, ऑलवेज डू नॉट लेट दिस हैपन टू यू गाइस। एंड ये वीडियो बहुत जरूरी था मेरे लिए, क्योंकि मेरे को जब से मैं लोगों से बात कर रहा हूँ, मैं उनसे पेशेंटली बात कर रहा हूँ, मैं चिल्लाया नहीं अब तक किसी ने, नहीं चिल्लाया, क्योंकि मैं अपने सामने वाले को, क्योंकि हम लोग सोच लेते हैं कि यार सामने वाला जो काम कर रहा है, हो सकता है दैट ये गलती इंटायरली उसकी ना हो, या फिर एक वर्कर का एक कंपनी की डिसऑर्गेनाइजेशन में कितना बड़ा हाथ होता है यार, एक सिंगल वर्कर का। हम किसी सिंगल पर्सन को लेकर हम उस पर नहीं चिल्ला सकते, इसलिए मैं चिल्लाया नहीं अब तक किसी पे, पर फ्रस्ट्रेशन तो है ना यार, इट इज बियॉन्ड फ्रस्ट्रेटिंग। और मुझे नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है, जो भी होगा मैं आप लोगों को बताता रहूंगा, अगर आप लोग को ऑफकोर्स अगर आप देखना चाहते हो। लेकिन उसके अलावा आई एम कम्प्लीटली क्लूलेस, आई एम जस्ट पुटिंग दिस वीडियो आउट देयर बिकॉज लोगों को मालूम पड़ना चाहिए कि ये कंपनी क्या कर रही है और कितना गंदा रिस्पॉन्स सिस्टम है इनके कस्टमर्स की तरफ। सो प्लीज बी वेयर आउट देयर, एंड वेन एवर यू सेंड समथिंग, वेन एवर यू आर रिसीविंग समथिंग फ्रॉम समवन, हैव इट इंश्योर्ड। एंड कलयुग भाई, डू नॉट ट्रस्ट एनीवन।